ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अहमदाबाद का मीठा मीठा खाते हैं सारे सारे। हाँ, सारा चीज वाला होगा, मीठा वाला होगा। और मीठा खाते हैं लोग यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसा है? ये टेस्टी है। तो ये मेरे वाला आप खा लो, दोनों मिक्स खाते हैं। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मेरे इतने मेरी भाई भाई पता है कि बीट पता तो ऐसी क्या बात है। वो बहुत आओ कभी अहमदाबाद आओ। क्या नाम है इसका, नाम क्या बताया आपने अभी? चॉकलेट मस्का बन। चॉकलेट मस्का बन, बन। ये ऊपर मक्खन है, ये नीचे चॉकलेट है और ये बंद है खाली। चेक कर दे, खट्टा मीठा कुछ लग रहा है अजीब सा। बढ़िया था गुरु। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वक्त ये पीछे का जो आप कैमरा देख रहे हो, ये हम खड़े हुए साबरमती के पुल के ऊपर। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा साथ पास से दिखाता हूँ। ये देखो, ये साबरमती नदी है और ये दो पुल है इसके ऊपर में, एक वो वाला और एक जिसके ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और ये मेन इलाका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और हमें ज्वाइन करा है अहमदाबाद के अंदर हमारे चिंतन भाई ने, जिनका अपना चैनल है फायदा बाजार करके। भाई फायदा बाजार, फायदा बाजार इन भाई का अपना चैनल है। अगर आपको अहमदाबाद की लोकल मार्केट देखनी है, रिटेल मार्केट देखनी है, तो आप इन भाई के चैनल के ऊपर जा सकते हो और उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसे कि मैं तो आपको दिखाता रहता हूँ होलसेल मार्केट सब तरीके की। ये पीछे हमारे मेन रोड चल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा लोग यहाँ पे फोटोज भी खिंचवाते हैं। ये भाई मस्त जगह है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और मोदी जी ने जो बनाया ये रिवर फ्रंट जो यहाँ पे नहीं था, ये रिवर फ्रंट जो बनाया है, मतलब बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या बात है, जैसे मुंबई में देखा आपने, मुंबई के अंदर वो देखा साइड वाला पूरा पूरा सेम उसी लुक के अंदर मजा आ जाता है। भैया यहाँ पर आप जब भी आओ तो एक बार इसे भी आप घूम सकते हो। मैं भी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद के अंदर इस पुल के ऊपर आया हूँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद में बहुत सारी बार आ चुका हूँ लेकिन मुझे घूमने का मौका नहीं मिला। अच्छा। और हमें घुमा रहे हमारे चिंतन भाई, चिंटू भाई, जिनका अपना चैनल है भैया फायदा बाजार, जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, मजा आने वाला है। वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने दिखाई है। सो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो क्या मस्त नजारा लग रहा है, ये पीछे चलता हुआ रोड है, मौसम बहुत औसम हो रखा है। और ये है साबरमती नदी, ये देखिए देख पा रहा हूँ, थोड़ा जूम करूँ इसको यहाँ से। ये भाई कितनी गहरी है, ये है। और ये जूम ये देखो भाई साहब, पूरा रहने दो भाई, ज्यादा पानी जा रहा है, कौन गिर जाएगा। और क्या मस्त भाई मौसम, बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, मजा आया अहमदाबाद के रोडों पर घूमते हुए। रोड तक पानी चला जाता है इसका, रोड तक पानी भाई साहब, क्या जगह है ये। और वो पुल बहुत मस्त लग रहा है जो सामने वाला है ना, वो अभी नया बन रहा है उसके, मतलब जो अभी आप आगे जो पुल देख रहे हो, जो लाइटिंग देख रही है, वो एलिस ब्रिज है। एलिस ब्रिज मतलब एलिस जो मतलब पुराना, सबसे पुराना ब्रिज है, अंग्रेजों ने वो ब्रिज बनाया, ये अंग्रेजों ने ब्रिज बनाया। ये जो आगे जो देख रहे हो एलिस ब्रिज है ना, क्या बात है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है अहमदाबाद का सबसे फेमस कोलेजन सैंडविच स्नैक्स। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, मस्त बनाता है एकदम एकदम मस्त। जैसे कि आप देख रहे हो हमेशा भीड़ लगी हुई मिलती है यहाँ पे। तो भाई लेकर आए फिर, क्या लेना है बोला बताओ, यहाँ पे क्या बेस्ट है, यहाँ पे आप बताओ। मेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा क्या बेस्ट है कौन सा नहीं है, जौन सा आपको समझ लगता हो बढ़िया वो आप लेकर आओ, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना यहाँ पे। ठीक है चलो, जौन सा सबसे बेस्ट हो आप वो लेकर आओ। ये यहाँ के हिसाब से रीजनेबल प्राइस है क्या इनका? एकदम रीजनेबल रहता है अहमदाबाद के हिसाब से। अच्छा जी, तो दोस्तों भाई लेने गए हैं हमारा सैंडविच बढ़िया तरीके से और हम अभी खाएंगे। और ये अहमदाबाद का मेन रोड है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहीं पे ही गुजराती कॉलेज है, जो अहमदाबाद का गुजराती कॉलेज है वो यहाँ की तरफ में है। और बहुत सारे लोग यहीं पे खाते हुए मिल जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हो, भीड़ भी लगी हुई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों ये भाई लेकर आए हैं, क्या नाम भाई इसका? चॉकलेट मस्का बार। चॉकलेट मस्का बार, इसके अंदर चॉकलेट है क्या इसके अंदर में? ये लेकिन ये फिर मीठा खट्टा अजीब सा लगता है, ये एकदम यूनिक टेस्ट लगेगा, आप एक बार टेस्ट करो। चलो दोस्तों एक बार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। लो भैया पकड़ो, क्या नाम है इसका, नाम क्या बताया आपने अभी? चॉकलेट मस्का बन। चॉकलेट मस्का बन, बन। ये ऊपर मक्खन है, ये नीचे चॉकलेट है और ये बंद है खाली। चेक करते हैं, खट्टा मीठा कुछ लग रहा है अजीब सा। बहुत लोग खाते हैं इसको,
बहुत पसंद करते लोग यहाँ पे, फेमस रहता है यहाँ का। मुझे तो अजीब लग रहा है। मैं वो दूसरा लेके आता हूँ, दूसरा ले कर आऊँ। तो ये भाई अपना दूसरा लेकर आ रहे हैं अभी। ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये ग्रिल सैंडविच। हाँ, आलू चीज। इसमें मीठा तो नहीं है कुछ भी? नहीं नहीं। ये चेक करो भाई, ये कैसा खाओ, ये कैसा है, ये टेस्टी है। तो ये मेरे वाला आप खा लो, दोनों मिक्स खाते हैं। कहाँ ये है ना मेरी स्कूटी, ये आधा 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 खा लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा है ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं थोड़ा ये वाला चेक करता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये अपना ग्रिल सैंडविच, ये मुझे समझ नहीं आया क्यों भाई इसके अंदर चॉकलेट डाली हुई है बंद, और फिर मक्खन, ये थोड़ा अजीब सा लगा। ये वाला चेक करते हैं, मीठी चटनी। तो दोनों फ्रंट कैमरा ड्यूल कैमरा दोनों एक साथ चल रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई? ठीक है, अच्छा है। अहमदाबाद का सब मीठा मीठा खाते हैं सारे सारे। हाँ, सारा चीज़ वाला होगा, मीठा वाला होगा। और मीठा खाते हैं लोग यहाँ पे, ये भी थोड़ा मीठा मीठा तो लग रहा है। लेकिन भैया अहमदाबाद की डिश है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा वो डायबिटीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मीठा खाते हैं। चलो भैया, अब एक काम करते हैं, ऊपर करो, एक काम करते हैं भैया, आप चेक करते हैं और आप सबको बाय बाय बोलते हैं, इतने मैं इसे खा लेता हूँ आराम से। दोस्तों हमने खत्म कर दिया है, ये मेरे वाला हिसाब है। भाई कैसा लगा आपको, टेस्टी लगा? लेकिन ये पता है मेरे लिए थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा तीखा टाइप का खाता हूँ, ये एकदम थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। भाई के हाथ में सैंडविच है, जैसे कि आप देख रहे हो ग्रिल सैंडविच। ये मेरे हाथ में बर्गर है, सॉरी बंद के अंदर क्या बोलते हैं, चॉकलेट और ऊपर मक्खन है। ये अहमदाबाद के अंदर ही मिलता है स्पेशल, चॉकलेट मस्का, चॉकलेट मस्का बन, चॉकलेट मस्का बन, इसके बाद बहुत मस्का लगाया हुआ है। मुझसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। भाई अपना पूरा खा गया, पूरा पूरा पूरा। डेली खाते हो, कभी कभी खाते हो? आता हूँ, महीने में एक दो दिन तो होता ही होता है, एक दो दिन। चलो भैया, किसी को खाना हो तो आ सकता है, ये शॉप है और ये मैं हूँ। तो आपको एक और की दिखाता हूँ मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1978 से ये भैया भाई बता रहा है पानीपुरी की दुकान चल रही है ये वाली, और अब इसमें घूम के आते हैं अपने बर्गर के बाद में। ये भी अच्छा है भाई, सबसे पुराना। चले अंदर इसके एक बार, आओ दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि देख रहे हो भैया इस तरीके से। आओ खोलो, भाई ने हेलमेट लगा दिया, बंद कर दिया। आओ, वैरायटी है क्या यहाँ पे भी अलग अलग? बहुत। ये गुजराती में लिखा है, मुझे समझ नहीं आया भाई। सारा पानी पूरी ना उसको, ये हिंदी में, जैसे कि देख लो 20 रुपए की 5, दिल्ली में 20 रुपए की 6 है, ज़्यादा हिसाब नहीं है, एक ही कम है खाली। मसाला पानी पूरी 20 रुपए की 7, ये जैसे कि आप देख रहे हो 1978 एसी वाली गोलगप्पे की दुकान है भैया, जैसे कि आप देख रहे हो अहमदाबाद में। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, एक ही करने 1978 से, 1978 से वैसे मैं अधिकतर जो गोलगप्पे खाता हूँ वो मैदा वाले खाता हूँ, सूजी गोलगप्पे, ये आटे वाले स्पेशल है यहाँ, ये स्पेशल है, यही चलता है यहाँ पे, तो यही चलता है। बहुत सॉफ्ट वाले, वहाँ थोड़ा मोट, दिल्ली में थोड़ा मोटे होते हैं, और थोड़े मोटे होते हैं, तो सूजी वाले ज़्यादा मेरे को पसंद है। इसमें सॉल्ट वॉटर डाल देना, आप नहीं कुछ नहीं चाहिए, सॉल्ट मीठी चटनी वाली बनती है, मीठी चटनी चाहिए, थोड़ी सी डाल के ना। मात्र 20 रुपए के 5 करोड़ रुपए। कैसा लगा विराज भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा, भाई आप एक खा देंगे आप? अरे अरे आप आवाज कर दो, हम तो खाएंगे बाद में। आप मेरे इतने
मेरी भाई भाई खाएगी 20-50 लोगों पे ऐसी क्या बात है वो गोलगप्पों की बहुत शौकीन है आओ कभी अहमदाबाद आओ उन सब लोगों को भी मेरे दोस्त आप करो पानी पिला दो अच्छा ये आप अपने हाथ से मारते हैं क्या बात कैसे मिल जाएगा थैंक यू सो दोस्तों मस्त था अच्छा एक्सपीरियंस था तो जी आ चुका है हमारा डब्बा मेरा और हम जा रहे हैं एक और नई शहर में मतलब है तो एक इसी के गुजरात के शहर में समझ जाते हैं लोग हमारे बहुत जल्दी वहीं पर ही तो जी जा रहे हैं दुबार से एक और नए शहर नया शहर तो मतलब पुराना हो गया वो शहर मान लिया क्योंकि जाते रहते हाँ वही है जहाँ आप समझ रहे हो मास्क नीचे कर लेते हैं वही है जहाँ आप समझ रहे हो।